Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. मिसाइल मैन। अखबारों में अग्नि मिसाइल की बार बार असफलता और उसके परीक्षण में हो रही देरी की काफी चर्चा थी। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी देरियां होती ही रहती हैं, लेकिन देश ये बात समझने को तैयार नहीं था। अपनी समस्याएं हमें खुद ही सुलझानी थी। लोग अपने अपने ढंग से देरी का मतलब निकाल रहे थे। अमूल के एक विज्ञापन में तो हंसी हंसी में यहां तक सुझाव दे डाला गया कि अग्नि को चलाने के लिए उन्हें अमूल मक्खन का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर करना चाहिए। परीक्षण में देर होने के कारण अखबार हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े थे और बार बार की असफलता से मेरे दल का मनोबल टूट चुका था। मुझे वे अनेक अवसर याद आए जब हमारे दल के नेताओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। मैंने एक सभा आयोजित करके अपने दल के 2000 सदस्यों को संबोधित किया। हमें एक महान अवसर दिया गया है। सभी बड़े अवसरों के साथ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमारे देश को हमसे कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। मैं बात खत्म कर ही रहा था कि अनायास मेरे मुंह से निकला, मैं वादा करता हूं कि अगले परीक्षण में अग्नि का प्रक्षेपण सफल रहेगा। मेरा दल अचानक ऊर्जा से भर उठा। नए जोश से भरकर मेरे दल ने जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाते हुए बड़ी लगन से काम किया। आखिर प्रक्षेपण की तारीख 22 मई 1989 तय हुई। सेना के जनरल और रक्षा मंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ति प्रक्षेपण देखने आए। प्रक्षेपण से पहली रात हम पूर्णिमा की चांदनी में दमकते समुद्र तट पर सैर के लिए गए। गरजती लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। हम सभी के मन में ये प्रश्न घुमड़ रहा था कि क्या कल अग्नि का प्रक्षेपण सफल रहेगा, लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था। आखिर रक्षा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और मुझसे पूछा, कलाम, कल हमें अग्नि की सफलता की खुशी कैसे मनानी चाहिए? तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रश्न सरल था, लेकिन मैं तुरंत उसका उत्तर नहीं दे पाया। सोचने लगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या नहीं था। और तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, हमें अपने शोध केंद्र में 1,00,000 पौधे रोपने हैं। रक्षा मंत्री का चेहरा चमक उठा। उन्होंने गदगद होकर भविष्यवाणी की, अग्नि की सफलता के लिए धरती माता तुम्हें आशीर्वाद देगी। कल हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, एकदम बाधा रहित और त्रुटिहीन। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई बुरे सपने के बाद जागे और पाए कि उज्जवल सवेरा उसका स्वागत कर रहा है। विभिन्न कार्य केंद्रों पर 5 वर्षों तक लगातार चले काम का अच्छा परिणाम मिला था। कुल 600 सेकंड की सुंदर उड़ान ने हमारी सारी थकान को पूंछ डाला। बरसों की मेहनत की यह अद्भुत परिणति सामने आई थी। ये मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था और हमेशा रहेगा।
Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.